कैसा प्यार कर लिया ऐसा कैसा प्यार कर लिया सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, इस तरीके का स्टेटस आप यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ठीक है, और जो सॉन्ग है वो भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो अगर आप इस तरीके का ट्रेंडिंग स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप करके चले जाओगे, अभी से चले जाओ, ठीक है, क्योंकि बाद में आपका प्रॉब्लम होगा। सो स्किप मत करना, एंड तक देख लेना, आप भी इजीली क्रिएट कर लोगे। और आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपका एक कमेंट एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन फील कराता है। सो प्लीज़ एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे चैनल पर रोज़ इसी तरह ट्रेंडिंग और लेटेस्ट टाइटल आता रहता है, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करना। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको HD स्टेटस, HD इमेजेस इजीली मिल जाएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा सभी मटेरियल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, बिटमार्क को भी, शेक इफेक्ट को भी, और सॉन्ग को भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोनों XML को एलाइट मशीन में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद एलाइट मशीन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। ये जो सॉन्ग है ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि XML पे सॉन्ग नहीं रहता है। आपको डिस्क्रिप्शन पे सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है। एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, जो सॉन्ग है वो एक वीडियो होगा। आपको सिंपल से वीडियो को यहाँ पे ऐड करना है। ऊपर राइट पे आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके जो साउंड है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद वीडियो को डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इफेक्ट ऑलरेडी ऐड करके रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो इमेज का लेयर दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आएगा। आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, कलर एंड फिल में आना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी इमेज का फोल्डर होगा कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो सिंपल से सिलेक्ट कर लेना, ऊपर जो प्लस दिखाई दे रहा है प्लस पे क्लिक कर देना। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बिट मार्क पर जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट बिट मार्क पे आना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। इसी तरह आपको क्या करना है, बिट मार्क के हिसाब से आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल लेयर दिखाई देगा, डबल इमेज का लेयर। आपको दोनों लेयर पे सेम इमेज ऐड करना है। ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में आना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो सिंपल से सिलेक्ट कर लेना, प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे वाले लेयर है इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में आना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम इमेज ऐड करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है, फिर से आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है। ये सब आप इमेज ऐड कर सकते हो। और अगर आपको ये सब इमेज चाहिए मेरे टेलीग्राम पे जाना, आपको इजीली मिल जाएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, इमेजेस को ऐड करना है, फिर से डबल लेयर आ गया, फिर से आपको क्या करना है, डबल लेयर पे आपको सेम इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक कर देना है, नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में आना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम इमेज ऐड करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे ब्लैंक है, फिर से आपको यहाँ पे बिटमार्क के हिसाब से इमेजेस को ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। इसी तरह आपको क्या करना है, बिटमार्क के हिसाब से आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है। फिर से डबल लेयर आ गया, सेम इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर से आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ठीक है, और लास्ट में जो है इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है।
फिर से आपको दोनों बिटमार्क पे आपको क्या करना है, इमेजेस को ऐड करना है, थीडट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन क्या करना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। इसी तरह आपको क्या करना है, बिटमार्क के हिसाब से इमेजेस को ऐड कर लेना है, और जो डबल लेयर है इस पर आपको सिर्फ इमेजेस को ऐड करना है क्योंकि इफेक्ट ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो लास्ट में जो रेक्टेंगल इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, बैक आने के बाद आपको जो शेक इफेक्ट है शेक इफेक्ट पे जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपको यहाँ पे तीन इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इफेक्ट थ्री पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको सिंपल से बैक आ जाना है, जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है उस पे जाना है, पूरा एंडिंग पॉइंट पे जाना है, ठीक है। एंडिंग पॉइंट पे जाने के बाद जो लास्ट में रेक्टेंगल है इसको छोड़ के आपको यहाँ पे जो दो इमेज है, ये दो इमेज आप देख सकते हो 14.20 सेकंड के बाद जो दो इमेज है, सिंपल से आपको थर्ड इफेक्ट पेस्ट कर देना इमेजेस पे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, फिर से आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट पे जाना है। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इफेक्ट वन, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है। एरो पे क्लिक करके फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाना है, फर्स्ट बिटमार्क आपको आ गया। अब जो ये इमेज है इस पर आपको फर्स्ट इफेक्ट जो है वो पेस्ट कर देना है, जो फर्स्ट बिटमार्क के बाद है, ठीक है। इस पर आपको फर्स्ट इफेक्ट ऐड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी फर्स्ट इफेक्ट ऐड करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद जितना भी इमेजेस होगा सभी इमेजेस पे आपको सेकंड इफेक्ट पेस्ट करना है। सिंपल से आपको ऐसे बैक आना है, फिर से आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट टू है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। साथ में चारों सीसी को आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक करके कॉपी फोर लेयर कर लेना है। यहाँ से आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, ऊपर जब कोई ये प्लस दिखाई दे रहा है एरो के साइड पे, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना है, और जो सीसी आपको पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है। उसके बाद जितना भी इमेजेस बचा है आप देख सकते हो ये सब इमेज, ठीक है। डबल लेयर के बाद आपको दो दो इमेज मिलेगा, सभी इमेजेस पे आपको सेकंड इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, डबल लेयर के पहले आपको दो इमेज दिखाई देगा, दोनों इमेज पे आपको सेकंड इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो तो हमारा स्टेटस जो वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो सभी इमेजेस पे हमने इफेक्ट पेस्ट कर दिया, सीसी भी यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। तो हमारा स्टेटस जो वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।